सो हेलो दोस्तों, आगे एक नई वीडियो मेरा आज का वीडियो है हमारा एक 400 वाट के बोर्ड के ऊपर जो कि स्टीरियो है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये बोर्ड है दोस्तों। इस बोर्ड की हम अभी भी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको चला करके दिखाएंगे, टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, निकल गया ये बोर्ड हमारा देख सकते हो। और यहाँ पर इसमें बाइस्टेबल भी दी गई है ऐसी वाली दोस्तों, इसके साथ बाइस्टेबल आई हुई है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर मिलती है आपको इनपुट जो कि हमारे कार्ड से होकर जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पर आपको देना है एसी 12 वोल्ट, यहाँ पर देना है आपको डीसी 12 वोल्ट, ठीक है देख सकते हो। डीसी 12 वोल्ट, एसी 12 वोल्ट, यहाँ पर एसी 012 लगेगा, यहाँ पर लगेगा 012 डीसी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डीसी 12 वोल्ट, यहाँ पर मिल जाएगा डीसी 5 वोल्ट, ठीक है यूएसबी कार्ड लिए। यहाँ पर मिलती है आपको इनपुट, ठीक है फुली कंप्लीट बोर्ड है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और ये चीता बना हुआ है और इस तरीके कुछ बोर्ड है ये हमारा। और यहाँ पर मेन बोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके बना के दिया गया देख सकते हो। 8 इंच लगा इसके अंदर, तोशिबा मेड इन जापान और 2SC लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ मिलता है कनेक्शन वगैरह। यहाँ पर आपको 15015 भी मिल जाती है जो कि हमारे एक USB कार्ड ली होती है, 12012 वैसे लिखा हुआ है इसमें, 15015 तक निकाल देता है। यहाँ पे 12012 15015 दोनों लगा सकते हो, जो हमारा अगर बाइस बोर्ड चलाना चाहते हो चला सकते हो इसमें। और यहाँ पर आपको मिलता है 30 लेकर के 45045 AC देना है यहाँ पर। और ये 4 कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 8 रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। और इसी की हीटिंग लगी है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये बोर्ड है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं इसके, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये वाला ट्रांसफार्मर इसमें लगाएंगे हम जो कि 3030 है 6 एम्पियर और 012 है 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर 3030 नीचे है इनपुट 220 वोल्ट और ऊपर है 012। और इस तरीके कुछ ट्रांसफार्मर है हमारा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ट्रांसफार्मर है, बहुत ही अच्छा वोल्टेज निकालता है। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं बोर्ड के साथ में, फिर आपको दिखाते हैं चला करके कैसा क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर में कर लिए हैं, अब हम इस बोर्ड में करेंगे वाइस्टेबल में जो कि हमारा 012 लगेगा इसमें। तो यहाँ पर ये लगाना है डायोड जो दिख रहे हैं आपको, तो यहीं पे लगाना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, फिर आपको चला कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लगा दिया ग्रीन वाला, ये हमारा 12 वोल्ट का है एक वायर, ये हमारा दूसरा 12 वोल्ट का वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों वायर को लगा लिया है, अब हम लगाएंगे इसमें 3030 जो कि हमारा आडियो बोर्ड है इसमें लगाएंगे। तो चलिए वो भी लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कनेक्टर को लगा दिया इसमें, अब क्या करना है इसमें स्पीकर वायर लगाने हैं। तो चलिए स्पीकर वायर भी लगा लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीकर के वायर हैं वो लग गए हैं, और पर चैनल पे हमने 2 स्पीकर दिए हैं 6 इंची के, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में वही स्पीकर लगाए इसके अंदर। एक चैनल पे 2 स्पीकर हैं, एक चैनल पे 2 स्पीकर हैं, ठीक है। कह सकते हो कि 200 वाट का लोड है पर चैनल पे। तो चलिए यहाँ पर ये बीटी कार्ड लगा लेते हैं, ये हमारा इसमें लगेगा यहाँ पर इनपुट में। तो यहाँ पर लगा देते हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिया, अब ये लगाना है 5 वोल्ट, तो ये इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो ये भी लगा दिया है और ये भी फाइनली चलने के लिए तैयार एकदम। ये देख सकते हो दोनों तरफ हमने इसको कंट्री लगा दिया, एक तरफ इनपुट है एक तरफ 5 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको सही से रख देंगे ये कहीं पर। फाइनली दोस्तों यहाँ पर पूरा सेटअप चलने के लिए तैयार एकदम अच्छे से, और सारा वायर वगैरह सारा जो चीज़ था वो लगा लिया है। अभी क्या करना है कि यहाँ पर लाइट देनी है इसमें, और कोई सॉन्ग प्ले करना है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए लाइट भी लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये है केबल मेरे पास इसकी लाइट की, तो चलिए इसमें लाइट देते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को पूरा कम कर लेंगे ताकि एकदम से कोई चीज़ उठ ना जाए। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं लाइट में। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट आ चुकी है देख सकते हो, ये ब्लूटूथ जो है हमारा सर्चिंग करने लगा है। तो चलिए इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है इसमें, और ये भी इसको कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है देख सकते हो, यहाँ पर ये कनेक्ट लेके आ रहा है। और अभी हम इसको चलाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए कोई म्यूजिक प्ले करते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये म्यूजिक चालू हो चुका है इसमें। Thank you.
दोस्तों बहुत हैवी आवाज़ निकल रही है, और यहाँ पर हम अगर इसमें आप थोड़ा सा हमने अगर हैवी आवाज़ दिया ना तो मेरे ये स्पीकर जो है उड़ जाएंगे। बहुत ही हैवी आउटपुट निकल रही, कुछ बदबू सी आने लगी स्पीकरों से, इस वजह से मैंने इसका जो ऑडियो है वो बंद कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा कोई डीजे वाला सॉन्ग भी चला के देखेंगे अभी कैसा क्या आवाज़ है, वो भी आपको पता पड़ेगा। तो चलिए कोई म्यूजिक लगाते हैं, कोई डीजे वाला सॉन्ग थोड़ा सा हल्का चला के दिखाएंगे आपको चला करके। भाई कसम फाड़ देगा स्पीकरों को, बहुत हैवी आवाज़ है इसका। नेक आवाज़ खोलो तो स्पीकर फड़फड़ाने लगते पूरी तरीके से। दोस्तों देखा आपने कितना हाई फाई आउटपुट निकल दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम अगर इसमें 15 इंची भी चलाएंगे तो वो भी इसमें चल जाएंगे, दो दो 15 इंची, 4 स्पीकर चला सकते हो 15-15 इंची के। बहुत ही अच्छा आउटपुट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, और ये इसका जो आवाज़ है वो बहुत अच्छा निकाल दिया है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।